स्पेशल हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सतीश धनोदा की राम राम। तो फिलहाल आज आप पहुंचे हैं नरवाना रियल चौक पर। तो जो किसान आंदोलन बहुत तेजी पर चल रहा है, तो यद हर एक गांव तक कई कई ट्रैक्टर लेके किसान पहुंचे हैं। तो कुछ किसानों में 80 साल की बुजुर्ग महिलाएं भी हैं, तो छोटी बच्ची भी आ रही हैं, तो उनसे दो चार सवाल पूछेंगे। तो राम राम। नमस्ते। क्या नाम आपका? कीर्ति। कीर्ति, तो एक कीर्ति नाम की जो बहुत, कितनी उम्र आपकी? 12 वर्ष की छोटी सी एक लड़की भी जो किसान आंदोलन में पहुंच रही है। तो आप दूर दिल्ली जाओगे? हाँ। तो ये जो किसान आंदोलन के बारे में आपको पता है? राम राम ताई। पति। क्या नाम आपका? थोड़ा कम सुनता है। अच्छा, फिर आप बोल बड़ा जल्दी से। हाँ, ज्योति। तो क्या नाम आपका? ज्योति नाम। तो एक किसान आंदोलन में ज्योति बहन भी हमारे साथ हैं, तो इस किसान आंदोलन के बारे में आप कुछ बताएं। ये जो सरकार 3 कानून लाई है, हम उनका विरोध करने दिल्ली जा रहे हैं। तो आप वहाँ दूर दिल्ली कितने दिन के लिए जा रहे हो? अभी वहाँ जाएंगे, किसान आंदोलन का समर्थन करेंगे और फिर वापस आएंगे। सरकार अगर आपको रास्ते में रोक नहीं सकती है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो? रोक नहीं सकती है सरकार आपको, रास्ते में रोक सकती है। रोक सकती है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? सरकार तो पहले भी किसानों को रोक ही रही थी, इतने बैरिगेट्स लगाए थे, उनपे कांटे कंटीले तार गड्ढे वगैरह लगाए गए थे, तब भी रोक रही थी सरकार। तो अब तो कुछ भी नहीं, अब तो हम डेफिनेटली वहाँ पे पहुँचेंगे। इतने किसान पहले ही पहुँच चुके हैं हमारे किसान भाई। आप वहाँ जो कितने दिन का खाना पानी लेके चले हो? खाना पानी है। हाँ जी बिल्कुल, अभी हमारे साथ खाना पानी लेके भी आए हैं, और भी मदद आएगी हमारी आगे से। मैं एक तरफ सरकार जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, और यहाँ पर हमारी बहन बेटियाँ सड़कों पर उतरा इस किसान आंदोलन के साथ। तो आए इस पर एक विचार लेते हैं। राम राम जी। नमस्कार। हाँ जी, जो किसान आंदोलन है, इस पर आपके कुछ विचार बताएं। किसान आंदोलन जो है पूरी तरह से किसान विरोधी है, और पूरे देश के किसान इसका विरोध कर रहे हैं। देश के अंदर जितनी भी किसानों की यूनियन है, किसानों के संगठन है, तमाम संगठन इन तीनों संगठनों का विरोध कर रहे हैं। देश के अंदर एक भी ऐसा किसान संगठन नहीं है जो इन कानूनों के फायदे बता रहा हो या इन कानूनों के हक में हो। सरकार जबरदस्ती तानाशाही रवैये से इन कानूनों को लागू करना चाहती है। सरकार किसान की मांग आखिर क्यों नहीं मानती? क्योंकि सरकार जो है वो कॉरपोरेट हाउसों के हाथ के अंदर है, इसलिए सरकार उनकी मांग नहीं मान रही किसानों की। सरकार चाहती है कि निजी हाथों में दे के खेती को, उसके अंदर से भारी मुनाफा कमाया जाए। मुनाफा कमा के सरकार अपने घर भरना चाहती है, और इसके अंदर क्या सीधी सी बात है।